संगम की रिमेक है आलिया रणबीर की फिल्म लव एंड वॉर। ओरिजिनल फिल्म नहीं है आलिया की मूवी। क्या संजय लीला भंसाली इस बार रीमेक लेकर आ रहे हैं? आखिर क्या है लव एंड वॉर को लेकर आई ये खबर, चलिए जानते हैं। बता दें कि संजय लीला भंसाली के डायरेक्शन में बनने जा रही रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल स्टार फिल्म लव एंड वॉर को 1964 की मूवी संगम का रिमेक बताया जा रहा है। अब संजय लीला भंसाली ने इस पर असली सच्चाई बताई है। जी हां, फिल्म इंडस्ट्री के फेमस मेकर डायरेक्टर संजय लीला भंसाली इन दिनों अपकमिंग फिल्म लव एंड वॉर के चलते सुर्खियां बटोर रहे हैं। फिल्म की स्क्रिप्ट का लगभग काम पूरा हो चुका है। शूटिंग शुरू करने से पहले लव एंड वॉर को लेकर कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि ये साल 1964 में आई फिल्म संगम का रीमेक है। इन अफवाहों पर संजय लीला भंसाली ने चुप्पी तोड़ दी है। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में संजय लीला भंसाली ने क्लियर कर दिया है कि उनकी फिल्म लव एंड वॉर साल 1964 में आई राज कपूर, राजेंद्र कुमार और वैजयंती माला स्टारर संगम का रीमेक नहीं है। उन्होंने कहा, आप शोले और मदर इंडिया जैसी फिल्मों का रीमेक नहीं बना सकते हैं, तो मैं संगम का रीमेक कैसे बना सकता हूँ। उन्होंने आगे बताया कि लव एंड वॉर बेहद ही स्पेशल मूवी है। बता दें संजय लीला भंसाली के डायरेक्शन में बनने जा रही लव एंड वॉर में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल की तिकड़ी देखने को मिलेगी। मेकर्स ने फिल्म की शूटिंग जल्द से जल्द शुरू करने की तैयारियां कर ली हैं। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट पहले भी संजय लीला भंसाली के साथ काम कर चुके हैं, लेकिन विक्की कौशल को डायरेक्टर के साथ फर्स्ट टाइम देखा जाएगा। लव एंड वॉर का डायरेक्शन करने से पहले संजय लीला भंसाली ने वेब सीरीज हीरा मंडी को डायरेक्ट किया था। इस सीरीज को लोगों ने खूब पसंद किया। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यू, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाए।